असहाय लाचार व बीमार महिला की सहायता के लिए आगे आकर कुछ लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की। आज की यह एक बड़ी खबर कि मानवता आज भी जिंदा है, इसकी वानगी आज नारायण बगड़ में एक बीमार और असहाय बूढ़ी महिला की मदद करते हुए लोगों को देखा गया। हालांकि बताया जा रहा है कि महिला के लड़के और लड़कियां भी मौजूद हैं, परंतु मालूम हुआ कि इस महिला को बुढ़ापे में सब ने दर दर की ठोकने खाने के लिए छोड़ दिया। इस महिला की देखभाल, खान पान सहित बीमारी का इलाज नारायण बगड़ के व्यवसायियों और स्थानीय अच्छे लोगों के द्वारा महीनों से कराया जा रहा था। बहुत ही सराहनीय और गौर करने वाली दिगर बात यह है कि नारायण बगड़ में स्थानीय लोगों व पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बीमार वृद्ध महिला को उपचार के लिए श्रीनगर भेजने की व्यवस्था की। असहाय वृद्ध महिला के मददगार बनने वालों की आम लोगों ने तारीफ की। पिछले कई महीनों से डुगरी गांव की प्यारी देवी पत्नी स्वर्गीय शंकुलाल नारायण बगड़ बाजार में बीमार की हालात में दर दर भटकने के लिए मजबूर थी। कुछ दिन पहले इस वृद्ध महिला को सड़क पर अज्ञात वाहन ने कुचल डाला था, जिससे महिला के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सरकारी अस्पताल नारायण बगड़ के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी वृद्धा का लगातार उपचार किया, परंतु अब महिला के पैरों में फ्रैक्चर होने की दशा में उसका इलाज यहां पर होना संभव नहीं था। लेकिन असहाय महिला का आगे हायर सेंटर में इलाज में तीमारदार न होने की समस्याएं खड़ी हो रही थी। ऐसे में नलगांव निवासी संदीप कुमार सोनी ने महिला को उपचार के लिए श्रीनगर ले जाने का बीड़ा उठाया, तो पुलिस चौकी प्रभारी SI नवीन सिंह नेगी ने इस नेक काम के लिए आर्थिक मदद दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी, फार्मासिस्ट जगत सिंह नेगी ने महिला के इलाज व भोजन की सहायता करते हुए सोमवार को श्रीनगर तक सरकारी वाहन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विगत कुछ महीनों से यहां पर एक महिला घायल अवस्था में बाजार में पड़ी हुई थी, और जिससे स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल में लाए थे, और महिला के दोनों पैरों में चोट लगने की वजह से महिला के इलाज यहाँ पर होना संभव नहीं है, और जिसको हम उच्च चिकित्सालय भेजना चाह रहे थे। लेकिन आज स्थानीय लोगों की मदद से और खासतौर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की मदद से और पुलिस प्रशासन की मदद से हम उसको आज श्रीनगर हमने उसको रेफर किया है, और काफी दिनों से हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग भी महिला के खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर रहे थे, और सभी लोगों ने इसमें बहुत बहुत सहयोग दिया। मैं संदीप कुमार सोनी, ब्लॉक नारायण बगड़, ग्राम सभा नलगांव से हूँ, और मैंने काफ़ी समय से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। पूर्व की भांति भी मैं अभी भी समाज सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ टाइम पहले कोई निराश्रित महिला, जिसका नाम प्यारी देवी बता रही है, सड़क किनारे पड़ी हुई थी, जिसके दोनों पाँव किसी अज्ञात वाहन के द्वारा तोड़ दिए गए थे। शायद से ये मुझे भी कन्फर्म नहीं है, पर उसके दोनों पाँव टूटे हुए मुझे दिखा था रोड पर। मैं उन्हें उठा के PSC नारायण बगड़, सामने जो PSC नारायण बगड़ है, यहाँ पर मैंने उनको शिफ्ट करवाया था, और उसके स्वस्थ होने के लिए मैंने काफ़ी परिश्रम भी किया। जिस तरीके की एप्लीकेशन मैंने लिख करके चौकी नारायणगढ़ प्रभारी जी को दी, और एक एप्लीकेशन मेरे द्वारा माननीय विधायक जी को दी गई, माननीय उसी एप्लीकेशन को मैंने आगे फॉरवर्ड करते हुए SDM थ्राली को भी दी, उप जिलाधिकारी महोदय जी को, और आज इसी लंबे प्रयास के द्वारा आज मैं उसी महिला को, जिस जिनका नाम प्यारी देवी है, उनको लेकर के आज बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में ले जा रहा हूँ, ताकि उनका अच्छे से दोनों पाँव का इलाज हो सके और वो महिला जल्दी स्वस्थ हो। मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि वो महिला जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद नेगी जी, और धन्यवाद आपका नेगी जी, जो जिन्होंने चौकी वालों ने की सहयोग किया मेरा। मैं संदीप कुमार सोनी, नारायण बगड़ ब्लॉक नलगांव से, मैं एक समाज सेवा का काम कर रहा हूँ काफ़ी समय से यहाँ पर। अभी विगत कुछ समय पहले यहाँ पे किसी महिला को, जो निराश्रित महिला थी, सामने रोड पे पड़ी हुई थी बेचारी, जिन्हें मैं उठा करके हॉस्पिटल में ले गया, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद मैंने तमाम विभागों में एप्लीकेशनें दी, जैसे पुलिस प्रशासन नारायण बगड़ चौकी को दिया, ठीक इसी तरीके से SDM कार्यालय थराली को दिया।